आज किस तरह के मीटिंग का आयोजन किया गया था? आज दृष्टि अभियान के तहत हमारे जिले के एसपी सिटी साहब जिन्होंने एक तत्काल मीटिंग फ्लोवर क्लब में बुलाई थी और हम व्यापार मंडल के सभी प्रतिनिधि लोगों के यहाँ पे आए हुए थे उनके आदेश पर, जिसमें ये बात रखी गई है कि हमारे शहर में जितनी भी छुटपुट घटनाएं होती हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, उसको लेकर हम लोग सभी बाजारों में सीसीटीवी कैमरा लगाएं, जिससे कि हमारे यहाँ पर कोई भी घटना होती है, जैसे कि बहुत सी जगह व्यापारियों के संग घटना हो जाती है, खुद वो कैसे हो जाती है, जैसे कि कोई ग्राहक आया, उसने कपड़ा लिया और कपड़ा ले लिया उसने और बोला कि मैंने आपका भीड़ भाड़ होती है तो मैंने आपको 2000 रुपये दे दिए हैं और उसने 2000 रुपये नहीं दिए होते हैं, और अगर हमारे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है तो हम उसको चेक कर लेंगे और चेक करके जब पता चलेगा उसने दिए नहीं है तो हमारा नुकसान बचेगा, तो इसलिए हमको सीसीटीवी कैमरा बहुत जरूरी है और उससे निरे फायदे हैं, फायदे एक नहीं है अनेक फायदे हैं। एक तरीके से ये सीसीटीवी कैमरा हमारी सुरक्षा भी करेगा और हमारे पुलिस प्रशासन का भी सहयोग करेगा, कोई लूट करके भाग रहा है, कोई कुछ करके भाग रहा है तो उन सीसीटीवी कैमरों को पकड़ में आएगा और हम अपने पुलिस प्रशासन को जो भी हमने रिपोर्टिंग हुई वो दे सकते हैं, जिससे कि हमारे शहर को हमारे प्रशासन को बहुत सुविधा मिलेगी और हम व्यापारियों को तो सुविधा मिलेगी मिलेगी। इसलिए मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी व्यापारी भाइयों से निवेदन है कि अपनी अपनी प्रतिष्ठानों पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सीसीटीवी कैमरा लगाएं और जो कि चालू हालत में होने चाहिए, एक कैमरा तो आपको रोड पर लगाना ही लगाना है, जिससे कि वो उस जगह को कवर करता रहे और चौराहे को कवर करता रहे और जो आने जाने वालों को उनको सबको वो कवर करता रहे। जय धन्यवाद, जय व्यापारी, जय व्यापार मंडल। क्या आज माननीय एसपी सिटी ने, मैं बहुत सराहना करूंगा उनकी, उन्होंने जो आज दृष्टि अभियान रखा, इससे हमारे व्यापारी को एक ऊर्जा मिलेगी और एक बहुत ही अच्छा संदेश जाएगा शहर फिरोजाबाद में कि हमारा व्यापारी आज कैमरा लगाकर अपनी सुरक्षा स्वयं करेगा और प्रशासन को भी इसमें बहुत मदद मिलेगी और मैं उनकी बहुत सराहना करना चाहूँगा। उन्होंने इस अभियान के तहत तुरंत व्यापार मंडल को अवगत करा के एक तत्काल मीटिंग रखी। मैं फिरोजाबाद के तमाम व्यापारियों से निवेदन करूंगा अपने प्रतिष्ठान में कैमरा लगाएं और प्रशासन का सहयोग करें। जय व्यापारी, जय व्यापार।